खबर इस वक्त दंतेवाड़ा से मिल रही है, जहां 5 किलो का प्रेशर आईडी बम बरामद किया गया है। अरनपुर पोचाली के बीच में यह बम मिला है। सीआरपीएफ के जवानों ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। गनीमत रही, दरअसल नक्सलियों की एक बड़ी साजिश फेल हो गई है और इसी रास्ते से गुजर रहे थे एसपी और कलेक्टर। गनीमत रही कि बम को देखने के बाद पहले ही डिफ्यूज कर दिया गया, वरना एक भीषण हादसा हो सकता था। अरनपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो एसपी और कलेक्टर जिस रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में एक आईडी बम बरामद हुआ। गनीमत रही कि पहले ही इसे डिफ्यूज कर दिया गया, क्योंकि एसपी और कलेक्टर के काफिले को ये पहले ही नजर आ गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारा संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पंकज, गनीमत रही कि पहले ही आईडी बम को बरामद कर उसे डिफ्यूज किया गया, इस पर और क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है? आपने एसपी और कलेक्टर के काफिले से बातचीत की होगी। बिल्कुल सही बोल रही हैं कि ये नक्सलियों की एक बड़ी साजिश थी जो पूरी तरीके से फैल हो गई है। अरनपुर थाना क्षेत्र का पोटाली में नवीन पुलिस कैंप बैठाला जा रहा है, जो संतरा से 62 किलोमीटर दूर पड़ता है। काफी घोर सघन नक्सलियों का इलाका है, जहाँ पर मलंगीर एरिया कमेटी के नक्सली और दरवा डिवीजन सक्रिय रूप से काम करती है। यहीं पर 5 किलो का ये प्रेशर आईडी लगाया गया था और ये जो नवीन पुलिस कैंप बैठ रहा था उसी के लिए दंतेवाड़ा कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और एसपी अभिषेक पल्लव के साथ पूरी प्रशासनिक टीम और निकली हुई थी। और वहां से जब वो वापसी आ रहे थे तो बीच में जो सीआरपीएफ की एरिया डोमिनेटिंग पार्टियां लगी होती हैं, उन्होंने बम को सर्च किया, बम दिखाई दिया और बम को उन्होंने निकाला। निकालने के बाद में वो कमांड आईडी थी और उसे वहीं पर डिफ्यूज कर दिया। पंकज जी, कितने बजे की घटना बताई जा रही है? और साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एसपी और कलेक्टर जिस रास्ते से गुजर रहे थे, गनीमत रही कि उनकी नजर इस पर पड़ी, लेकिन इसी की तर्ज पर के आसपास इलाकों में भी अब सर्चिंग की जा रही है? बिल्कुल सही बात है कि आसपास के इलाकों में भारी सर्चिंग की जा रही है। 400 से 500 जवान लगे हैं, डीआरजी एसटीएफ पीएफ के सभी जवान लगे हुए हैं, क्योंकि पोटाली इलाके में एक नवीन कैंप बैठाया जा रहा है। इस कैंप का ग्रामीण कुछ विरोध भी कर रहे हैं, इसलिए फोर्स तो बहुत ज्यादा लगी हुई है और ये काफी संवेदनशील इलाका है। किस इलाके से एसपी कलेक्टर गए थे सड़क से चलकर 13 साल के बाद उस सड़क को कल पहली बार खोला गया था और पहली बार उस पर 4 चक्के की गाड़ियां निकल कर गई थी। इससे पहले तक वो माओवादी उस सड़क को पूरी तरीके से काट के रखते थे, तो वहां पर और भी आईडी हो सकती है और सर्चिंग में। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज जी। खबर रायपुर से आपको